हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट इज़ द स्टडी। तो गाइस, ज़्यादा पढ़ने वाले क्या डायरेक्शन चैप्टर कैसे बनता है, ठीक, डायरेक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और हाँ, जितना चैप्टर ये इजी होता है, मतलब जितना इजी चैप्टर होता है उतनी ही एग्जाम में गलतियाँ भी करा देता है जल्दी से, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में आप अक्सर गलती कर देते हो, बिकॉज आपको पहली बात तो दो तीन चीज़ जो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है इसका, जिस दिन से ये तीनों चीज़ आपके टीचर्स या फिर कोई भी आपको कंसेप्ट क्लियर करा देना, फिर उस दिन के बाद से आप डायरेक्शन चैप्टर क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हो। तो सो गाइस, ध्यान दो पार्ट में मैं डायरेक्शन चैप्टर को दूंगा, ठीक है। दो पार्ट्स आएंगे इसके और दोनों पार्ट्स पढ़ लो, उसके बाद लाइफ में कभी भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर मुझे आप कहना, ठीक है, कभी नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसका, ठीक है। तो सबसे पहले ये करना है कि आप किस पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, ये क्या हमारा डायरेक्शन है, हमारी मेनली क्या होती है, चार डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब ये जो हो गया हमारा पूर्व हो गया और ये जो हो गया हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है, पश्चिम। तो लोग क्या कहते हैं, नहीं पूर्व तो सामने होता है, पूर्व सामने होता है तो पूर्व सामने होगा, पश्चिम नीचे होगा, तो ऐसा नहीं। ये ग्राफ जो दिख रहा है ना, आप कभी भी बैठो कहीं बैठो तो आपको कॉपी के ऊपर, ठीक है, सिस्टम के ऊपर एग्जाम देना है, तो पूर्व आपके राइट साइड की तरफ, पश्चिम आपके लेफ्ट साइड की तरफ, और उत्तर या फिर नॉर्थ जो होता है आपके चेहरे की तरफ, मतलब आपके सर की तरफ, और साउथ जो है आपका पैर तरफ। समझ में आ गया, यहाँ पे आपको खड़ा कर दूं, ठीक है, तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट उधर हो जाएगा, और हमारा हेड ऊपर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये भाई लेग हमारा नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो आपका मेन हुआ। इसके अलावा चार और डायरेक्शन होते हैं, 4+4 टोटल 8 डायरेक्शन आपको क्या पढ़ने हैं, इसमें डायरेक्शन चैप्टर में पढ़ने हैं। वो कौन कौन से चार चैप्टर है भाई, तो वो चार चैप्टर्स नहीं बल्कि डायरेक्शन ये है। देखो, पहले तो आपको मैंने दिखाया मेन आपको, यह हमारा ईस्ट था, ये हमारा वेस्ट था, ये हमारा नॉर्थ था, और नीचे एक था साउथ, ठीक है, जो कि आपने इस वाले इंटरफेस पे देखा, ठीक है ना, इस वाले पेज पे देख रखा ईस्ट वेस्ट। बाकी यहीं से आपको एक डायरेक्शन इधर निकल जाएगा, और एक इधर निकल जाएगा, और एक इधर, और एक इधर, ठीक है। अब कैसे समझेंगे इसको, तो देखो ये क्या नॉर्थ है और ये क्या है ईस्ट है, मतलब पूर्व और उत्तर के बीच का जो डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व हुआ। इसे पूर्व उत्तर भी लिख सकते हो, लेकिन बोलने में थोड़ा खराब लगेगा, इसलिए लोग नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं, बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है और इजली बोल देते हो, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब बाकी देखो, पश्चिम और उत्तर के बीच से जो डायरेक्शन निकला ये उत्तर पश्चिम हुआ, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट होगा, तो नॉर्थ का स्पेलिंग गलती हो गया, NORTH होगा, तो ध्यान देना नॉर्थ वेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो, ये जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में से जो डायरेक्शन निकला है ये दक्षिण पश्चिम होता है, मतलब साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट को जो मिला के बना है। अब देखो यहाँ पे, अब ये एक निकलता है यहाँ पे, ये जो साउथ ईस्ट, मतलब ये पूर्व और दक्षिण को मिला के बनता है, इसे क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट। चलो इसका एक बार रिविजन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा भाई, ईस्ट और नॉर्थ को मिला के बनता है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है। और यहाँ से कौन सा निकलेगा भाई, ये साउथ और ईस्ट को मिला के बना है, तो साउथ ईस्ट बन गया हमारा दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा निकलेगा, साउथ और वेस्ट को मिला के, SW मतलब साउथ वेस्ट, यहाँ पे कौन कौन सा है भाई, तो वेस्ट और नॉर्थ को मिला के बना है, तो WN मतलब ये बताओ, या फिर NW लिख सकते हो, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, मतलब उत्तर पश्चिम। बात समझ में आ गया, तो ये जो थे आठ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आपको समझना होगा सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा देखो, अब इसके अलावा देखो क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि कोई लड़का जो है, या फिर राम, रमेश, श्याम, कुछ भी है, वो सुबह के समय या फिर प्रातः काल या फिर मॉर्निंग के टाइम पे वो सूर्य के दिशा में या फिर सूर्य के विपरीत दिशा में जा रहा होता है, ठीक है, सूर्य के दिशा में या फिर सूर्य के विपरीत दिशा में जा रहा है। मान लो कि अगर सूर्य की दिशा में जाएगा तो सूर्य इधर है भाई, ईस्ट में है, ये देखो डायरेक्शन है ना, ईस्ट इधर है, तो उसका फेस इधर होगा, बात समझ में आया ना, वो इधर जा रहा होगा, इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो है परछाई, जो उसका शैडो किस साइड में बनेगा, तो जाहिर सी बात है वेस्ट में बनेगा, बिकॉज ये परछाई इसके उल्टा साइड में बनेगा, बिकॉज इधर लाइट सामने से आ रहा है, तो परछाई लाइट के बिल्कुल विपरीत दिशा, मतलब वो बॉडी के बिल्कुल विपरीत दिशा में बनता है, यू आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। अब ये बोलेगा कि अगर ये सूर्य की विपरीत दिशा में सुबह में जा रहा है तो भी उसकी परछाई उसकी सामने ओर बनेगी, ठीक है ना, ये समझ में आया। दिशा पूछेगा तो भी वेस्ट में, मतलब प्रातः काल में अगर वो कहीं भी जा रहा है ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन पूछेगा तो उसका परछाई कहाँ बनेगा, वेस्ट में बनेगा। बात समझ में आ गया। अब ये और देखो, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इवनिंग में जब सूर्य डूबता है ढलता है उस टाइम कोई भी एक लड़का है वो सूर्य की दिशा में जा रहा है तो परछाई किस डायरेक्शन में बनेगा,
तो वो वेस्ट में जा रहा है ना, इवनिंग के टाइप पे जा रहा है सूर्य की दिशा। तो सूर्य सुबह में पूर्व में निकलता है और अस्त कहाँ पे होगा, पश्चिम में होता है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ हो जाएगा ना लड़का, पश्चिम की तरफ जा रहा है तो उसका परछाई जो है पूर्व की तरफ बनेगा। बात समझ में आ गया? ये देखो पूर्व डायरेक्शन की तरफ बन रहा है, लड़का जा रहा है वेस्ट की तरफ, ठीक है। या फिर लड़का जो है ईस्ट में भी जाए तो उसका परछाई सामने ही बनेगा, क्योंकि भाई लाइट जो है वेस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है तो ईस्ट में, मतलब पश्चिम से लाइट आ रहा है तो परछाई या फिर शैडो उसका ईस्ट में ही बनेगा। इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा, ठीक है। या फिर ये बोल दिया जाए कि लड़का जो जा रहा है मान लो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, हाँ ये जो है समझ लेना, यहाँ पे 3D तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन ये जो है देखो मान लो ये नॉर्थ में सामने की तरफ जा रहा है तो फिर इसका जो है फिर भी लेफ्ट साइड की तरफ परछाई बनेगा। जाहिर सी बात है सुबह के टाइम पे, शाम को होता तो राइट साइड की तरफ परछाई बनता। क्यों भाई? क्योंकि शाम को इधर से जब सूर्य निकलता है तो परछाई इधर बनता और लड़का सामने जा रहा होता है तो इधर इसका राइट हैंड और इधर जो है लेफ्ट हैंड होता। बात समझ में आ गया? इन सब चीज़ को समझने के बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हमारे पास बचता है, ये डायरेक्शन में हमारे दिशा में जो है ना हमारे कौन सा लेफ्ट राइट है क्या, ये चीज़ को समझना। देखो जब भी हम ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारा राइट हैंड साउथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि देखो मान लो हम ऐसे जा रहे हैं इधर, तो हम खड़ा करो खुद को उधर, तो आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। जब भी आप ईस्ट की तरफ जाओगे, खुद को इमेजिन करके ऐसे, मतलब ये मोबाइल को या फिर ग्राफ को रख दो कहीं टेबल पे और खुद ईस्ट की तरफ जिधर ईस्ट है उधर फेस करके खड़ा हो जाओ, तो इमेजिन करना आपका जो है राइट हैंड जो है साउथ की तरफ होगा, साउथ की तरफ राइट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड जो होगा नॉर्थ की तरफ होगा। तो इस चीज़ को इमेजिन करके समझ लो, बिकॉज इसके बिना हमेशा क्वेश्चन गलती करोगे आप डायरेक्शन के चैप्टर में, ठीक है। अगर वेस्ट में जा रहे हो तो राइट हैंड आपका नॉर्थ में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड आपका साउथ में आ जाएगा। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो राइट हैंड आपका ईस्ट की तरफ चल जाएगा और वेस्ट की तरफ आपका लेफ्ट हैंड आ जाएगा। अगर आप साउथ में जा रहे हो तो राइट हैंड आपका किधर आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा और लेफ्ट हैंड आपका ईस्ट में चला जाएगा। तो बस दो चीज़ याद रखना, पहले क्या भाई ईस्ट में जाएंगे तो हमारा राइट हैंड किधर होगा, साउथ में, और लेफ्ट हैंड किधर होगा, नॉर्थ में। तो जस्ट वेस्ट में जाओगे तो ये पलट जाता है, ठीक है। वैसे ही क्या करना, आपको नॉर्थ का याद कर लो कि राइट हैंड हमारा क्या होगा, ईस्ट में, और लेफ्ट हैंड हमारा साउथ में, तो साउथ में आएंगे तो जस्ट वो पलट जाएगा, ठीक है। बात समझ में नहीं अगर आ रहा है तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने लगा, लेकिन ये बेसिक सी थ्योरी जो है सबसे पहले अपने माइंड में भर लो अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता हूँ मैं कि रमेश शाम शाम सुबह छोड़ो कोई मतलब नहीं है, रमेश जो है साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, साउथ की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, बताओ बताओ कमेंट करके मुझे। साउथ की तरफ जा रहा है रमेश, इधर आ रहा है ना रमेश जो भी है, तो रमेश का जो है सामने की अब तुम्हारे तरफ आएगा, तो तुम्हारा राइट हैंड अगर अभी आप बैठ के मोबाइल की तरफ देख रहे हो तो आपका राइट हैंड ईस्ट में है, लेकिन जस्ट आपके अपोजिट से आ रहा है ना रमेश, क्योंकि साउथ की आ रहा है तो वो सामने से आ रहा है, तो उसका राइट हैंड क्या आ जाएगा भाई, वेस्ट में जाएगा, क्लियर। जब भी देखो हम कभी भी नॉर्थ में जाएंगे तो राइट इधर घूमेंगे, जैसे मैं बोलूँगा रमेश नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर गया, ठीक है, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर गया और यहाँ से राइट मुड़ गया, तो राइट किधर मुड़ाओगे, इधर या फिर इधर, हो गया कन्फ्यूजन। तो नॉर्थ में जाएगा तो राइट ईस्ट की तरफ मुड़ेगा, तो फिर पूछा जाएगा कि राइट मुड़ रहा है तो उसके सामने कौन सा दिशा है, अब जाहिर सी बात है ईस्ट है। बात समझ में आ गया? अगर मैं पूछ दूँ कि रमेश 5 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, ठीक है, साउथ की तरफ 5 किलोमीटर गया और यहाँ से राइट 5 किलोमीटर और मुड़ जाता है, तो आप फटाक से फिर इधर मुड़ दोगे, राइट आपका हाथ है तो नहीं, साउथ में बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा, तो राइट हमारा ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हमें राइट मुड़ाना हो तो वेस्ट साइड मुड़ाएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब इसके सामने कौन सा डायरेक्शन बचेगा, ईस्ट बचेगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट सी चीज़ थी जो कि आपके जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब इसके अलावा हम और क्वेश्चन जब बहुत से क्वेश्चन कल के जो पार्ट में करेंगे, कल के पार्ट में मैं करा दूंगा कि 90 डिग्री, 145 डिग्री, 135 डिग्री या फिर इतनी डिग्री 45 डिग्री एंगल कैसे मुड़ते हैं, वो चीज़ को मैं समझा दूंगा, ठीक है, कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर देख लेना कि आपको ये डायरेक्शन का ज्ञान कैसे है कैसे नहीं। अगर फिर भी आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे, मोबाइल को सामने रखो और एक ग्राफ बना लो कॉपी पे दीवार पे, मतलब ऐसे ये जो डायरेक्शन का है, और खुद को उसके जगह पे रख के सोचो कि मैं एक बार नॉर्थ में जाऊँगा तो सामने जाऊँगा तो हमारा राइट किधर जा रहा है, लेफ्ट किधर जा रहा है, साउथ में आऊँगा तो मतलब पीछे की तरफ आ रहा हूँ, अपने जैसे हूँ उसके अपोजिट में आऊँगा अभी तो हमारा राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा,
तो बिल्कुल ये इमेजिन करने वाली चीज़ है, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, इमेजिन करने वाली चीज़ है। रट के भूल जाओगे, इमेजिन करोगे तो दिमाग में फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन ईजी लगेगा। और हाँ, इसका पार्ट टू कल आपको 11 बजे तक मैं दे दूंगा, उसको जरूर देखना। उसके बाद आप डायरेक्शन चैप्टर के प्रो हो जाओगे, प्रोफेशनल, मतलब कभी भी आप मास्टर हो जाओगे, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा दावा है। ओके, चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।